है गाइस, मेरा नाम मन्नाना। दोस्तों आज का ये वीडियो उनके लिए जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और वो फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जब तक आप अपने अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड नहीं करेंगे तब तक आप उसको जो फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए या फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन होना होगा और आपको यहां पे टाइप करना है www.bobibanking.com, ठीक है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी पहचान क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी पहचान यह है कि आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर में कि यहां पे जो https लिखा हुआ है इससे जो इधर यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा तक जो है ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है और www.bobibanking.com जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ब्लैक कलर में है। तो https तक जो है बिल्कुल ग्रीन कलर का होना चाहिए, इससे आपका पहचान में आपका ये आ जाएगा कि आप समझ जाएं इस चीज़ को कि आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि अगर आप किसी गलत वेबसाइट पर चले गए तो हो सकता है कि आपको हानि नुकसानी हो जाए और आपका यूजर आईडी जो पासवर्ड हो वो लोग चोरी कर ले और आपको बाद में कोई हानि नुकसानी पहुंचा सके, क्योंकि इस तरह का कई केस जो है चल रहा है। तो आप इन झमेले में ना पड़े, आप जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पर लॉगिन करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तरह का अकाउंट दिखाया जा रहा है, एक है कॉर्पोरेट यूजर, दूसरा है रिटेल यूजर, ठीक है? तो कॉर्पोरेट यूजर का मतलब है कि आपका अगर आपका करेंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे जो है लॉगिन कर सकते हैं, और मान के चलिए कि अगर आप रिटेल यूजर हैं, आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अगर अपने अकाउंट को जो रजिस्टर नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है नेट बैंकिंग को, तो आप यहाँ पे नोट रजिस्टर के लिए घर पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर करना नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं रजिस्टर करने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप किस तरह से आप अपने अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे और किस तरह से आप फंड ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा, यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने अकाउंट में जो है लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर कई तरह का ऑप्शन है, आप यहां पर देख सकते हैं फंड ट्रांसफर, यहां पर आपको फंड ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि आप यहां पर देख सकते हैं कि किस कई तरह का अकाउंट है, यानी कि सेल्फ, यानी कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ही अकाउंट में अगर डालना चाहते हैं पैसे तो आप यहां पर ऊपर में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलिए अगर आपको किसी अदर बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पे नॉन बीओबी अकाउंट आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्टर न्यू बेनिफिशियरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर न्यू बेनिफिशियरी पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो है जिस बेनिफिशियरी को आप ऐड करना चाहते हैं, जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका जो यहाँ पे जो उसके पासबुक में जो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको जो आईएफएससी कोड जो उसके पासबुक में मिल जाएगा वो आपको आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद उसका जो अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट टाइप है उसका अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, फिर वही अकाउंट नंबर आपको दोबारा डालना है। तो चलिए बेनिफिशियरी की जो सारे की सारी डिटेल्स उसके पासबुक में है वो सारी हम यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले हम बेनिफिशियरी का जो नाम होगा जो उसके पासबुक में वो हम डाल देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आईएफएससी कोड जो है बेनिफिशियरी का हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद गेट डिटेल्स पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो उसका सारा सारा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी की जो पासबुक में नाम था और उसके जो पासबुक में जो आईएफएससी कोड था उसे हमने डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और जैसे हम गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट है, कौन सा बैंक है उसका, वो दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद उसका सिटी सेंटर जो है वो कहाँ पर है वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है और वही अकाउंट नंबर हमें नीचे में डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने कंटिन्यू किया उसके बाद हमारा पहला स्टेप था वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका सारा जो डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का नेम जो है, सिटी सेंटर, सारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों सारी डिटेल्स अगर आपके पासबुक से मैच करती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंड फॉर कन्फर्मेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उसके एक ट्रैकर आईडी ये भेज देगा, ठीक है। वो ट्रैकर आईडी आपको जो है फिर आपको यहाँ पे दोबारा डालना होगा, ठीक है। तो दोबारा आप ट्रैकर आईडी कहाँ पे डालेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पप्पू कुमार नीचे में लिखा हुआ है, यहाँ पप्पू कुमार, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लिंक दिया हुआ होता है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे ट्रैकर आईडी पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकर आईडी पूछा जाएगा, तो जो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ट्रैकर आईडी आया होगा उसे हमें यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है सबमिट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रैकर आईडी जो यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद हमें सबमिट करना है। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक किए उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कंफर्म बेनिफिशियरी यहाँ पे हमें जो है क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो बेनिफिशियरी जो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम 4 घंटे बाद इसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे पहले अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने जो है अपने अकाउंट में जो इस बेनिफिशियरी को ऐड किया है और उसके बाद बैंक जो है अपनी ओर से इसे अप्रूव करेगा। बैंक जब इसे अनुमति दे देगा तो फिर उसके बाद हम यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी जो अभी लिमिट है पहले 24 घंटे की हुआ करती थी, अभी जो इसकी लिमिट कर दी गई है तो 4 घंटे, तो 4 घंटे बाद जो है हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी कोई किसी नए बेनिफिशियरी को हम जब अपने अकाउंट में ऐड करेंगे तो उसे हम तुरंत जो पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, 4 घंटे बाद जो हम उसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जब बैंक अपनी ओर से उसे अप्रूव कर देगा। तो दोस्तों फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको दोबारा फिर से 4 घंटे बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जाना है आपको फंड ट्रांसफर पे। जैसे फंड ट्रांसफर पे जाएंगे आपको तो अपने बेनिफिशियरी को जो आपको सामने बेनिफिशियरी आपको दिखेगा उस पर आपको जो पप्पू कुमार आप देखें तो पप्पू कुमार पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे पप्पू कुमार पे हमने क्लिक किया उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि गेट बेनिफिशियरी डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसकी डिटेल दोबारा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अगर पेमेंट करना है ऐसे तो पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, पेमेंट पे हमें अमाउंट जो है आपको हमें जो है यहाँ पे डाल देना है, अमाउंट पे जितना भी हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है उतना अमाउंट हमें यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम 2000 रुपए इसे ट्रांसफर करते हैं और 2000 रुपए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आप देखते हैं अकाउंट नंबर, तो ये हमारा अकाउंट नंबर जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट रिमार्क में हमें लिखना है ये कि हम जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस काम से ट्रांसफर कर रहे हैं, किस काम के लिए हम उसे दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फिलहाल गिफ्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद हमें यहाँ पे पेपर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे जो जिस बेनिफिशियरी को हम पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका जो यहाँ पे जो डिटेल्स है यहाँ पे हमें डालना होगा, उसका जो एड्रेस होगा वो हमें डालना होगा, ठीक, उनकी सारी की सारी जो डिटेल्स है, ठीक है, उसका जो एड्रेस प्रूफ है वो सारा एड्रेस जो हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है सारी सारी डिटेल्स की आपने जो बेनिफिशियरी का जो डिटेल्स डाला है बिल्कुल सही डाला है। अगर सही डिटेल्स आपका मैच करता है कि आपने डिटेल्स बिल्कुल सही डाला है तो आप नीचे पे यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने इंसर्ट के बटन पर क्लिक किया उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप था वो हमारा जो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है और यूजर आईडी डाल करके उसके बाद हमें अपना जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें यहाँ पे नीचे में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे ये पैसा जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।